विधि से सोचने का है, क्या एक दूसरे को पहचानने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है? जैसा सूर्य प्रकाश धरती पर उपलब्ध है, इसका उत्तर यही है कि हम सभी मानव जो कुछ भी प्रकाश पहचानते हैं, आंखों से प्रकाश को पहचानने के आधार पर ही पहचानते हैं। जबकि सभी वस्तु प्रकाशमान है ही, इसका कारण यही है कि हर वस्तु में, हर परमाणु में श्रम गति परिणाम रूपी क्रिया बना रहता है और इसके फलन में शब्द यानी ध्वनि, ऊष्मा, विद्युत तरंग प्रकट हुआ रहता है और क्रिया के मूल में ऊर्जा संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता स्वयं सिद्ध रहता ही है। इन चारों प्रकार की बल संपन्न इकाइयों के वैभव को विद्यमानता और प्रकाशमानता के रूप में प्रकाशित किए रहता है। तो ये जो ऊर्जा संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता है, ये चारों प्रकार की यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था की इकाइयों के वैभव को विद्यमानता और प्रकाशमानता के रूप में प्रकाशित किए रहता है। विद्यमानता यहाँ पर स्थिति के रूप में है और प्रकाशमानता गति के रूप में है, प्रकाशित रहता है या प्रकाशित किए। इससे हमें यह समझ में आता है कि हर वस्तु प्रकाशमान है। दूसरी बात है कि प्रकाशमानता का साक्ष्य प्रतिबिंब के रूप में इकाई के सभी ओर होना सुस्पष्ट है। एक दूसरे को पहचानने के लिए प्रतिबिंबन ही आधार है, यह तथ्य समझ आ चुका है। इसके लिए किसी एक कमरे में किसी वस्तु को रखें, स्वभाव से हम बैठे, वह वस्तु हम सबको नजर, हम सबकी नजरों में आता है। इसका मतलब है कि सभी की आंखों में वस्तु प्रतिबिंबित होता है, तभी तो सबकी नजरों में आता है। दूसरी विधि से हमारी आंखें चक्षु रचना के अनुसार अधिक प्रकाश के बिना अंधेरे में कमरे में कोई चीज दिखता नहीं है। कमरे में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंबन में कोई गति होती नहीं है। यह इस विधि से समझ में आता है कि रात्रि बेला में संचालित होने वाले उल्लू और सदृश और उल्लू जैसी आंखों वाले जीव जानवर उनके आवश्यकीय वस्तु को पहचानते ही हैं। मतलब जब हम लोग कमरे में नहीं देख पाते जिन वस्तुओं को आंखों से, तो जानवर होते हैं जो कि रात्रि में भी अपनी आवश्यक वस्तुओं को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए बाबा जी ने यहाँ लिखा है, जैसे उल्लू चमगादड़ फलों को पहचानते ही हैं और हिरण घास को पहचानता है, जबकि मनुष्य नहीं पहचानता है। मनुष्य के ना पहचानने मात्र से वस्तु अपने को प्रस्तुत करने में त्रुटि करेगा, ऐसा भी नहीं हुआ है। पहचानने वाले कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं हुआ। हाथी, चींटी, उल्लू को भी दिखता है, इस बात पर विचार किया जा सकता है। शोध विधि से निष्कर्ष निकलता है, उनकी आवश्यकता अनुसार आंखें बनी रहती हैं। उसी प्रकार पांचों संवेदनाओं का आधार बना रहता है, क्योंकि आंख से कुछ, नाक से कुछ, जीभ से कुछ, त्वचा से कुछ और कान से कुछ पहचानने की व्यवस्था जीवंत आदमी में बनी हुई है। इसी प्रकार की व्यवस्था सभी जीव जानवरों में जरूर होगी, ऐसा सोचा जा सकता है। जैसे मेंढक का चमड़ी बनी रहती है, अनेक पक्षियों के पंख विभिन्न तरीके से बने रहते हैं, गाय का चमड़े तरह तरह से बने रहते हैं, उन सब में स्पर्शीयता उनके आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न रहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे कीटों में भी दिखता है। इस प्रकार मानव शरीर की स्पर्शीयता भिन्न रहना स्वाभाविक रहा। इस बात को हम शरीर विज्ञान से स्वीकार सकते हैं। क्या स्वीकार सकते हैं? कि मानव शरीर रचना
पांचों प्रकार की संवेदनाओं को खूबी से व्यक्त कर सकता है, प्रवृत्तियों को संप्रेषित कर सकता है। यह सौभाग्य सभी प्रकार के मानव शरीर में समानता के अर्थ में स्पष्ट होता है। प्रकारांतर से संवेदना सभी जीवों में होना पाया जाता है। इस प्रकार जीवावस्था ज्ञानावस्था के मात्रा के साथ होने वाले क्रियाकलाप को स्पष्ट किया। तो मात्रा का मतलब उनका होना है ना, और उसमें उसका जो होना है वो उसके आचरण के साथ है या उसके क्रियाकलाप के साथ है या उसकी गति के साथ है, तो इसको यहां पर स्पष्ट किया। हर रचना एक मात्रा है और इन मात्राओं में रूप विविधता आकार आयतन के रूप में है, गुण विविधता गति कार्य और प्रवृत्ति के रूप में है, स्वभाव विविधता चार अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होने के रूप में है। पदार्थावस्था का स्वभाव अलग है, प्राणावस्था का अलग है, जीवावस्था ज्ञानावस्था का अलग है, ज्ञानावस्था में भी भ्रमित मानव और जागृत मानव का स्वभाव अलग अलग। धर्म विविधता चारों अवस्थाओं में अलग अलग होने के रूप में अध्ययन गम्य है। तो हर रचना एक मात्रा है और इन मात्राओं में रूप गुण स्वभाव धर्म की विविधता है, और इस रूप गुण स्वभाव धर्म की विविधता को हम अध्ययन कर सकते हैं या अध्ययन कर चुके हैं। इस मुद्दे पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका कि पदार्थावस्था अस्तित्व धर्म संपन्न है जिसका नाश नहीं होता है, प्राणावस्था अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म संपन्न है, एक बीज अनेक में परिवर्तित होने की परंपरा है, बीज वृक्ष न्यास बीज वृक्ष न्याय से ही संपूर्ण प्राणावस्था है, जीवावस्था अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्मी है, हर जीव जीना चाहता है, जीने का मतलब संवेदनाओं को व्यक्त करना है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ज्ञानावस्था में मानव अस्तित्व पुष्टि सहित सुख धर्मी है, यह भी इसके साथ स्पष्ट किया गया है। तो ये जो चारों अवस्थाओं में अलग अलग धर्म के रूप में विविधता है जिसका अध्ययन किया जा चुका है, उसको एक बार यहाँ फिर से चारों अवस्थाओं के धर्म के बारे में स्पष्ट किया। फिर आगे है, समाधान ही सुख का प्रमाण स्वरूप है, सर्वतोमुखी समाधान मानव अपने समझदारी को प्रमाणित करने के क्रम में व्यक्त करता है, यह अभिव्यक्ति संप्रेषित हर मानव में से के लिए अध्ययन बोध अनुभव प्रमाण के लिए पहुंच पाता है, स्वीकार हो पाता है। इससे यह भी पता लगता है कि क्या पता लगता है, समाधान ही सुख का प्रमाण स्वरूप है, सर्वतोमुखी समाधान मानव अपने समझदारी को प्रमाणित करने के क्रम में व्यक्त करता है, यह अभिव्यक्ति संप्रेषित हर मानव में से के लिए अध्ययन बोध अनुभव प्रमाण के लिए पहुंच पाता है, स्वीकार हो पाता है। इससे यह भी पता लगता है कि मानव सह अस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से ही सर्वतोमुखी समाधान को व्यक्त करता है, जिससे मानव कुल का उपकार होना स्वाभाविक है। मानव कुल के उपकार का तात्पर्य मानव जागृति परंपरा में, मानव सार्वभौम व्यवस्था में, अखंड समाज में, मानव कम से कम परिवार व्यवस्था में होने से है। मानव कुल के उपकार का तात्पर्य मानव जागृति परंपरा में, मानव सार्वभौम व्यवस्था में, मानव अखंड समाज में और कम से कम परिवार व्यवस्था में होने से है। परिवार व्यवस्था में भी मानव के लिए अथवा परिवार के लिए प्रेरक है। इस विधि से समाधान उपकार से जुड़ा ही रहता है अथवा उपकार विधि से समाधान जुड़ा रहता है।
फिर आगे है मानव मात्रा को, मानव को एक मात्रा माना जाए उस स्थिति में इसका प्रयोजन क्या है अपने आप में समझ में आता है। इसी प्रकार जीवों को मात्रा के आधार पर वनस्पति और धरती के लिए पूरक होने के अर्थ में, मनुष्य के लिए भी पूरक होने के रूप में अध्ययन होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे जीवों में अध्ययन करने पे पता लगता है कि ये वनस्पति धरती के लिए पूरक होने के अर्थ में, मानव के पूरक होने के अर्थ में है, इस अर्थ में भी यदि मानव को केवल पूरक होना थी नहीं, जीवों के मल मूत्र से, श्वसन से धरती और प्राणावस्था के लिए पूरक होना पाया जाता है। क्योंकि इसमें स्वाभाविक रूप से धरती में उर्वरकता बढ़ती है। जीव संसार वनस्पति संसार के लिए अनेक रोगों को दूर करता हुआ समझ में आता है। इसका प्रमाण जिन जिन जंगलों में जीव जानवर ना हो उस जंगल में पेड़ और वनस्पतियों में अनेक रोग होना पाया जाता है। जिनमें अनेक जीव जानवर रहते हैं उन जंगलों में रोग बाधा न्यूनतम होना पाया जाता है, इसे व्यक्ति परीक्षण कर सकता है। इसी क्रम में फसल संसार में भी खरपतवार, कीड़ा, पक्षियों का आवागमन, विशेषकर मधुमक्खियों का संयोग सभी फसलों में उपकारी होना पाया जाता है। इन सब का जहां जहां अभाव होता है, फसल कम हो जाती है, वहां फसलों को नष्ट करने के लिए कीड़े बढ़ जाते हैं, फसलों को नष्ट करने वाले कीड़े बढ़ जाते हैं। हर वर्ष नए नए प्रकार के रोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए धरती जैसी भी सजी है उसके ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी सजावट अपने आप में पूरकता उपयोगिता विधि से ही हुआ है। इसके प्रमाण में पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था प्रकट हुआ, यानी जो पूरा के रूप में सजी है उसके प्रमाण में पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था प्रकट हुआ। प्राणावस्था में जितने भी प्रजातियां समाहित हैं वे सब पदार्थावस्था के लिए पूरक उपयोगी होना पाया जाता है। आगे है पदार्थावस्था अपने सभी प्रकार के परमाणु प्रजातियों के, पदार्थावस्था अपने सभी प्रकार के परमाणु प्रजातियों के इस धरती पर संपन्न होने के उपरांत ही प्राणावस्था का प्रकटन होना स्वाभाविक रहा। इससे पता लगता है कि प्राणावस्था के लिए पदार्थावस्था पूरक है और पदार्थावस्था के लिए प्राणावस्था पूरक है। इसका उदाहरण पहले दे दिया, प्राणावस्था किस तरीके से पदार्थावस्था के लिए। प्राणावस्था उपयोगी इस विधि से है कि प्राणावस्था जब विरचित होता है तब धरती में उर्वरकता बढ़नी शुरू होती है। जैसे जैसे उर्वरकता धरती में बढ़ती है वैसे वैसे प्राणावस्था का उन्नयन इस धरती में होता जाता है। उन्नयन होने का तात्पर्य है उन्नत होने से है। इसका स्वरूप उर्वरकता बढ़ते बढ़ते झाड़ पौधे सभी में श्रेष्ठता भी बढ़ती जाती है। उन्नयन होने का तात्पर्य है इसका स्वरूप उर्वरकता बढ़ते बढ़ते झाड़ पौधों सभी में श्रेष्ठता भी बढ़ती गई।
जिसको हम गुणात्मक परिवर्तन या विकास भी कह सकते हैं। जीव संसार के लिए प्राणावस्था उपयोगी है और जीवावस्था प्राणावस्था के लिए पूरक होना देखने को मिलता है। तो जीवावस्था के लिए प्राणावस्था की उपयोगिता इस प्रकार से देखने को मिलता है कि प्राणावस्था में ही पुरुष कोशा स्त्री कोशा की संरचना आरंभ हो चुकी है। जीवावस्था में स्त्री पुरुष शरीर का रचना भिन्न भिन्न रूप से स्पष्ट हो गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राणावस्था में कोष रचनाएं जितने उन्नत रहा जीवावस्था के लिए पर्याप्त नहीं हुआ और विकसित होने की आवश्यकता रही, चाहे विकास क्रम ही क्यों ना हो। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जीवावस्था के लिए प्राणावस्था की उपयोगिता को इस प्रकार देखने को मिलता है कि प्राणावस्था में ही जो सेल है वो दो तरीके की देखने को मिलती है संरचना के हिसाब से, पुरुष कोशा और स्त्री कोशा के रूप। इनको हम लोग वनस्पतियों में पहचान सकते, लेकिन जीवावस्था में स्त्री पुरुष शरीर रचना परस्पर भिन्न रूप में स्पष्ट हो गई जो प्राणावस्था में नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राणावस्था में जो कोष रचनाएं जितना उन्नत रहा जीवावस्था के लिए पर्याप्त नहीं हुआ और विकसित होने की आवश्यकता रही, चाहे विकास क्रम ही क्यों ना हो। इससे यह ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, इससे हो जाता है कि जीवों की शरीर रचना क्रम में स्त्री पुरुष शरीर रचना का सुस्पष्ट रूप प्रकट हो गई। जीवों के लिए आहार प्राणावस्था से संपन्न होता आया, इस ढंग से पूरकता उपयोगिता सुस्पष्ट है। इस प्रकार पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था परस्पर पूरक एवं उपयोगी सिद्ध हुआ। सर्वप्रथम प्राणावस्था का उपयोग किसी न किसी जीव परंपरा के शरीर रचना में प्राण कोशाओं के तृप्ति की उपरांत ही अग्रिम रचना विधि प्राण कोशाओं में उत्सव के रूप में उभरना स्वाभाविक रहा। तो दो बातें इसमें बोली गई हैं। पहली बात है प्राणावस्था का उपयोग किसी न किसी जीव परंपरा के शरीर रचना में हुआ है। दूसरी बात ये बोली गई कि प्राण कोशाओं की तृप्ति के उपरांत ही अग्रिम रचना विधि प्राण कोशाओं में उत्सव के रूप में उभरना स्वाभाविक रहा। उसी से फिर मल्टीप्लिकेशन होके नए नए प्रकार की रचनाएं बनी। इसी आधार पर किसी किसी जीव शरीर से सप्त धातुओं का समावेश और सर्वाधिक समृद्ध मेधस रचना संपन्न हुई। ऐसे शरीर में ही प्राण कोशाओं के संयोजन से होने वाली प्रजनन प्रणाली मनुष्य शरीर की रचना होना प्राकृतिक प्रणाली रही। ऐसे शरीर रचना विभिन्न परिवेशों में अर्थात भौगोलिक परिवेश में विभिन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की संभावना भी स्पष्ट है। इसका प्रमाण इस धरती पर अनेक नस्ल के मानव शरीर रचना का होना है। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूं। इसी आधार पर किसी न किसी जीव शरीर से सप्त धातु का समावेश और सर्वाधिक समृद्ध मेधस रचना संपन्न हुई। ऐसे शरीरों में प्राण कोशाओं के संयोजन से होने वाली प्रजनन प्रणाली मनुष्य शरीर की रचना होना प्राकृतिक प्रणाली रही। फिर कह रहे हैं ऐसी शरीर रचना विभिन्न परिवेशों में अर्थात भौगोलिक परिवेश में विभिन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की संभावना भी स्पष्ट है। इसका प्रमाण इस धरती पर अनेक नस्ल के मानव शरीर रचना का होना है। इससे भी अपने नस्ल का ध्रुव बिंदु मूलतः
जीव शरीर से मनुष्य शरीर का निष्पत्ति होना स्वीकारा जा सकता है। हर नस्ल के साथ किसी ना किसी रंग का होना स्वाभाविक है। इस प्रकार से हम मानव वंश के शुरुआत के संबंध में अनुमान कर सकते हैं। हजारों करोड़ों पीढ़ियां बीती हुई इस परंपरा में मूल संबंधों को जीवों के साथ प्राकलित कर सांत्वना पाना, इसलिए कि विकास क्रम की कड़ी के रूप में पहचान पाना एक आवश्यकता तो रहा ही है। ये सब लोग कोशिश करते भी रहे हैं। इस क्रम में इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है? हेलो भैया। हेलो। हाँ, मेरे दो प्रश्न है। एक तो ये है कि जैसे हम कहते पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था, उसके बाद जीवावस्था, तो जैसे पदार्थावस्था संपूर्ण तरीके मतलब पूरी हो जाती है उसके बाद प्राणावस्था आती है, कि आदि पदार्थावस्था आ गई और फिर प्राणावस्था आना शुरू हो गई, मतलब वो एक क्रम कैसे है, वो एक मुझे जानना है। दूसरा ये था कि पहले इस प्रश्न को पूरा कर। हाँ ठीक है भैया। हाँ यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब सभी प्रजाति के परमाणु से संपन्न हो जाती धरती, तभी प्राणावस्था आने की लिए जो है वो तैयार होती है। तो इसमें दो घटनाएं हैं, एक तो प्रजाति के परमाणु से धरती संपन्न हो जाती है, और दूसरा जो है पानी का आना है इसमें, क्योंकि पानी के आए बिना जो है प्राणावस्था नहीं हो सकती है ना। तो ये जो सभी प्रजाति के जो परमाणु हैं, ये पानी के साथ संयोग करके फिर रसायन बनाते हैं। तो रसायन बनने से पहले सभी प्रजाति के परमाणु अणु है ना, वो इस धरती में बन चुके होते हैं। उसके बाद जब पानी किसी धरती में आता है तो पानी के संयोग से ये जो सभी प्रजाति के परमाणु अणु हैं उनसे रसायन बनते हैं। और रसायन भी मूल रूप से दो ही कैटेगरी के होते हैं, जिनको अम्ल और क्षार बोल रहे हैं, है ना। बाकी सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन में होते हैं। और अम्ल और क्षार से ही फिर आगे साइंस ऐसा कहता है अमीनो एसिड्स बनते हैं ना, अमीनो एसिड से प्राण कोशाएं बनती। हम लोग उसी अमीनो एसिड को दूसरी भाषा में बोल हैं पुष्टि तत्व और रचना तत्व बनता है, और पुष्टि तत्व रचना तत्व के योगफल से ही प्राण कोशाएं जो है वो आती। तो ये इसका क्रम जो है वो मध्यस्थ दर्शन में इस तरीके से स्पष्ट किया गया है। दूसरा प्रश्न आपका बताइए जी भैया। और दूसरा ये था कि भैया, हाँ दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे मानव को अभी हम देखते हैं, ऐसे ही किसी जीव शरीर से मानव की मतलब इसी प्रकार उत्पत्ति हुई है, कि मतलब मानव शरीर रचना पहला मानव आया इस पृथ्वी पे, उसकी शरीर रचना अभी के मानव से थोड़ी सी अलग थी, मतलब मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से क्या है इसमें? ये लिखा है ना, ये जो लिखा है ना, ऐसी शरीर रचना विभिन्न परिवेशों में अर्थात भौगोलिक परिवेश में विभिन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की संभावना भी स्पष्ट, मतलब जो बहुत और भी कई प्रकार के जो जीव हैं, जैसे हम लोग ऐसा मानते हैं गाय से हुई है, कुछ लोग मानते हैं बंदर से हुई है, कुछ और भी जो दूसरे जीव जंतु हैं उनसे भी उत्पत्ति मानते हैं ऐसा। उसी के आधार पे तो बाबा जी नस्ल के सिद्धांत को यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं। जो मानव शरीर में जो रंग का है ना, चमड़ी के रंग का, बालों का, आंखों की रचना का, आंखों के रंग का जो भेद दिखता है, उसके मूल में यदि जाते हैं तो कोई ना कोई जीव मिलता है उसके मूल में।
इसी के आधार पे शरीर में जो है वंश, जिसको नस्ल कह रहे हैं, नस्ल का भेद दिखता है। लेकिन विभिन्न नस्लों की शरीर रचना होने के बावजूद भी आचरण के रूप में एक ही दिखता है। और यहीं से हम लोग नस्ल से आगे जाके मानव जाति एक इसको पहचान पाते हैं, क्योंकि जो मानव का होना है वो शरीर से ज्यादा जीवन के आधार पर है, इसलिए मानव जाति एक होने की बात इसमें की गई। तो बाबा जी कह रहे हैं कि विभिन्न जीव से शरीरों से, विभिन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की संभावना भी स्पष्ट है। इसका प्रमाण इस धरती पर अनेक नस्ल के मानव शरीर रचना का होना है, जो जिसका अध्ययन किया गया है। साइंस भी ऐसे ही कह रही है कि बहुत सारे नस्ल के मानव हुए हैं और अभी भी हैं, और इनके जो शरीर रचना में विधि तो एक ही है, यानी सबकी जो शरीर रचना विधि है वो एक ही है, लेकिन उनके बालों का रंग, चमड़ी का रंग, आंखों की रचना, छोटी बड़ी होना और मुख आकृति, शरीर आकृति, है ना, इसमें भेद पाया जाता है। इसी के आधार पे जो है नस्ल की थ्योरी है। ठीक है जी भैया, वो तो समझ में आ रहा था, पर जैसे साइंस में है ना, मतलब वो पहले का मानव है वो कुछ और दिखाते हैं, मतलब उसकी शरीर की रचना की जो है, मतलब वो कुछ और है। फिर जैसे जैसे ऐसा उसमें मानते हैं कि शरीर का भी ना डेवलपमेंट होता गया, तो आज का मानव है और जो पहले इस पृथ्वी पे आया, दोनों में हमको फर्क दिखता है। तो मुझे वो समझना था कि अभी हम जैसे मानव को देखते हैं, ये तो ठीक है कि नस्ल और रंग वो सब तो अलग दिखते ही है, पर ऐसा ही मानव था कि फिर मानव के शरीर में भी मतलब किसी तरीके का बाद में जो है वातावरण में रह के कुछ अलग तरीके का मतलब कुछ विकास हुआ। हेलो आजी, तो जैसा हम लोग जो है, आप जो कह रही हैं वैसे ही अध्ययन है, लेकिन मैंने ये कहा कि मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि जो मानव शरीर रचना की जो विधि है वो इन अलग अलग प्रकार के मानव में एक जैसी है। अब इसके बाद आता है जिसको आप कह रहे हैं कि जो सामाजिक रूप से जो परिवर्तन आया है ना, वो अभी भी हम लोग देखते हैं कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके कंपैरिजन में जो शहरी सभ्यताओं के लोग हैं या नदी सभ्यताओं के जो लोग हैं उनमें अंतर दिखता है। तो वो जो अंतर दिखता है वो सामाजिक रूप से कुछ अंतर दिखता है, शरीर रचना के आधार पे कुछ नहीं दिखता है ना, तो वो व्यवस्था का अंतर दिखता है, शिक्षा का अंतर दिखता है ना, सामाजिक परिवेश का अंतर दिखता है, लेकिन शरीर रचना का कोई भेद नहीं दिखता है। दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि ऐसे विभिन्न भिन्न नस्लों के लोग भी जब इस सामाजिक व्यवस्था में आते हैं या इस शिक्षा को स्वीकार करते हैं तो वो भी उन्हीं जैसे हो जाते हैं। जैसे अफ्रीकन लोग जो हैं अमेरिका में गए तो वो अमेरिकन गोरे जैसे लोगों की तरह ही साइंस, तकनीकी या सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज आदि में पारंगत हो गए, है ना। इससे ये पता लगता है कि उनमें ये संभावना बनी रहती है। ठीक है ना? जी भैया, जी भैया। लेकिन यदि मध्यस्थ दर्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो विकास क्रम है वो केवल इतना ही दिखता है कि हम पशु मानव से राक्षस मानव हो गए। तो पशु मानव होने से पूर्व की स्थिति में लगभग जीवों के समान ही सदृश ही जीना देखने को मिलता है। ऐतिहासिक रूप से यदि हम देखें तो जब मानव इस धरती पे, मानव एक भिन्न शरीर रचना के रूप में जब आया होगा तो ऑलमोस्ट जैसा जीव संसार रहता है वैसे ही रहता होगा। लेकिन क्योंकि उनका मेधस जो है वो समृद्ध था, इसलिए धीरे धीरे उनमें शोध अनुसंधान की प्रवृत्ति बनी रही और उसके कारण वो सारा विकास हुआ, जिसको हम लोग आज की भाषा में विकास बोलते हैं।
है ना, वो सारा विकास हुआ जो जीव में नहीं हुआ, जीव जैसा था वहीं पे रुक गया। और इसी के आधार पे हम लोग इसको ज्ञान अवस्था कह रहे हैं, क्योंकि यदि हम भी जीव के समानी रह जाते तो इसको ज्ञान अवस्था नहीं कह सकते थे। और इसी ज्ञान अवस्था के आचरण को फिर बाबा जी ने ये जो पंच मानव के आचरण में स्पष्ट किया है, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव देव मानव, दिव्य मानव, इसमें जो है तो इससे जो है पूरा जिसको हम कहते हैं जागृति क्रम हमारे सामने स्पष्ट होता है, जो आचरण के परिवर्तन के रूप में है। शरीर रचना कैसी भी हो, यानी शरीर रचना जो है किसी भी नस्ल की हो, जागृति क्रम में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है कि ठीक है? जी भैया, जी भैया। इसी के आधार पे हम लोग ये कह रहे हैं कि जो मानव जाति एक, तो फिर आगे ये लिखा है कि इस क्रम में हर भौगोलिक परिस्थिति में मानव विभिन्न प्रकार की नस्ल रंग के साथ अवतरित होने के उपरांत, तो नस्ल का संबंध जो है शरीर आकृति से है, और फिर रंग, रंग का मतलब स्किन, चमड़ी का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग आदि आदि के साथ अवतरित होने के उपरांत अपने परंपरा को सुरक्षित रखने के प्रवर्तन में सफलता प्राप्त किए हैं, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य की संख्या काफी बढ़ चुकी है, अन्य जीव परंपराएं भी अपने रंग रूप में सुरक्षित होना द्रष्टव्य है। तो बाकी जो जीव संसार है उनमें भी ये जो रंग और नस्ल का भेद जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन वो अपने रंग रूप के साथ सुरक्षित हैं। केवल कुछ ही जीवों के साथ मानव ने प्रयोग करके उनके रंग और नस्ल को बदलने का प्रयास किया है। मानव सर्वाधिक विकसित शरीर रचना संपन्न होने के आधार पर जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होना, पूर्णतः उपयोगी होना स्पष्ट हुआ है। तो जो मानव सर्वाधिक विकसित शरीर रचना संपन्न होने के आधार पर जो जीवन है, तो जीवन के लिए वो सर्वाधिक उपयोगी या पूर्णतः उपयोगी होना स्पष्ट हो गया। प्रमाणित होने के क्रम में मानव संज्ञानशीलता का अथवा संज्ञानीयता को प्रखर रूप देने का इच्छुक है। इसी विधि से मनुष्य का अध्ययन ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में प्रमाणित होना एक अवश्य संभावी घटना है। इस सह अस्तित्ववादी नजरिए से ज्ञान संपन्नता, विवेक और विज्ञान संपन्नता मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में प्रमाणित होना आवश्यक एवं अवश्य संभावी रहा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इस सह अस्तित्ववादी नजरिए से यदि हम इन सारी क्रियाकलाप को समझते हैं, तो इसमें ज्ञान संपन्नता, विवेक और विज्ञान संपन्नता, और फिर उसके बाद मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में प्रमाणित होना आवश्यक एवं अवश्य संभावी रहा। इसी क्रम में सह अस्तित्ववादी नजरिए से सभी मुद्दे जो मानव पहले से ही जानना चाहता है, जो अज्ञात रहा है, उस सब की व्याख्या संभव हो गया। तो जो परंपरा में भी बहुत सारे जो मुद्दे थे जिन मुद्दों की व्याख्या नहीं हो पा रही थी, वो सबका व्याख्या जो है इस विधि से संपन्न हो गया। इसीलिए सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से कुछ भी अज्ञात नहीं है। उक्त प्रकार से अस्तित्व में चारों अवस्थाओं में पाए जाने वाले संपूर्ण मात्राएं एक एक मात्रा अपने त्वा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में स्पष्ट है। दो बातें कर रहे हैं, चारों अवस्था में पाए जाने वाले संपूर्ण मात्राएं, यानी पूरा पदार्थावस्था, पूरा प्राणावस्था, पूरा जीवावस्था, पूरा ज्ञानावस्था, और एक एक मात्रा यानी एक एक अणु, इस रूप में भी एक एक व्यक्ति, एक एक मात्रा सभी में अपने त्वा सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में स्पष्ट हुआ है।
तो मानव के लिए मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में ही सार्थक होने के लिए यह अध्ययन प्रस्तुत हुआ है। फिर है मात्रा विधा में रूप गुण स्वभाव धर्म के अध्ययन के संबंध में रूप चारों अवस्थाओं के लिए स्पष्ट हो चुका है, अब गुण और स्वभाव के संबंध में स्पष्ट होना आवश्यक है। स्वभाव चारों अवस्थाओं में भिन्न भिन्न देखा जा रहा है। चौथा अवस्था में संगठन विघटन या किसी से संगठन किसी से विघटन क्रिया के रूप में स्वभाव को पदार्थ अवस्था में देखा जाता है। प्राणावस्था में स्वभाव सारकता मारकता के रूप में या सारक मारक के रूप में देखने को मिलता है। सारकता स्वयं में विपुल होने के अर्थ में है। सारकता का मतलब है कि जो भी प्राण कोशाएं हैं या प्राणावस्था की जो रचनाएं हैं उनका मल्टीप्लिकेशन तेज हो जाता है, उसी को विपुलीकरण कह रहे हैं। दूसरा जीवावस्था के लिए उपयोगी होने के अर्थ में, और मारक का तात्पर्य है कि अपने बीज व्यवस्था को विपुल बनाने में अड़चन पैदा करने की क्रिया। जीव संसार के लिए रोग और मृत्यु कारक होने के स्थिति में, तो बहुत सारी वनस्पति ऐसी होती हैं जिनका यदि आदमी गलती से उपयोग करता है तो वो रोग ग्रस्त हो जाता है या मृत्यु हो जाती है। इसीलिए भी हमको विज्ञान का अध्ययन जरूरी हो जाता है। तो जीव संसार में जो स्वभाव है वो क्रूर अक्रूर के रूप में पहचाना गया। अक्रूर का अर्थ है दूसरे किसी जीवों की हत्या ना करना, मांस भक्षण ना करना, वनस्पति आहारों पर जीते रहना। इस प्रकार से क्रूर अक्रूर दोनों स्पष्ट होते हैं। दूसरी भाषा में मांसाहारी शाकाहारी के रूप में जाना जाता है। तीसरी भाषा में हिंसक अहिंसक भी कह सकते हैं। फिर ज्ञानावस्था का जो स्वभाव है वो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा होना पाया जाता है। ये ही मानव स्वभाव के रूप में स्पष्ट होता है। मानव विरोधहीनता सहित पर धन पर नारी पर पीड़ा के रूप में गण्य है। जो इस प्रवृत्ति में रहते हैं वे ही पशु मानव राक्षस मानव में गण्य हैं। ये दोनों मानव विरोधी होना पाया जाता है। मानव विरोधी स्वभाव वाले स्नेह सने मानवीय स्वभाव में परिवर्तित होने की संभावना बनी रहती है। इसी आधार पर सार्थक शिक्षा का प्रस्ताव है, दूसरी भाषा में सहअस्तित्ववादी शिक्षा का प्रस्ताव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्वभाव भैया। अच्छा, इसमें ये मारकता वाला है ना, उसमें अपने बीज व्यवस्था को विपुल बनाने में अड़चन पैदा करने की क्रिया, तो ये कुछ ही वनस्पतियों की बात कर रहे हैं ना? ऐसा नहीं है ना कि हर वनस्पति में सारक और मारक दोनों होंगे? ऐसा होगा ना कि कुछ वनस्पतियां सारक होगी कुछ वनस्पतियां मारक होगी? हाँ, ये दोनों दोनों प्रकार की बातें हैं। मतलब जैसे यदि अनुपात के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो सारक है कई बार ज्यादा अनुपात में या कम अनुपात में वो मारक हो जाता है, और कुछ वनस्पतियां होती हैं मारक ही होती हैं, उनका काम ही होता है, वो जहर जहर जैसी होती है ना, तो वो वनस्पति के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। और शायद ये कुदरत का नियम भी होगा कि इस विधि से वो नियंत्रित करती हैं कई वनस्पतियों को, उनकी विपुलता ज्यादा ना हो उनको नियंत्रित करने के अर्थ में। ठीक है भैया जी, कुछ योगेश भाई बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, ये मारक वनस्पति भी जो है ना, अगर दवाई के तौर पे ली जाए तो दवा का काम करती है, करती है। हाँ, फिर वो सारक हो जाती है। तो वनस्पति अपने आप में सारक मारक नहीं है, लेकिन अनुपात में परस्परता में उसका किस अनुपात में आप प्रयोग करते हो उस रूप में उसका प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव या तो सारक रूप में या मारक रूप में रहता है। ठीक है।
ठीक है, समझ में आता है। फिर भी कई वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिनमें बहुत हाई जहर होता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो ध्यान रखना पड़ता है उनका। फिर औषधि सेवन भी बहुत सतर्कता पूर्वक हाँ। अति शोधन के बाद ही हो सके। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। हम लोग जैसे कुचला का उपयोग करते हैं ना, तो कुचले को हाँ शोधन करके उसको खाने योग्य बनाते हैं, फिर वो हृदय पोषण का काम करता है। जी बात जी भैया। तो कुचले का कुचला, या हम लोग कई लोग जो है कोबरे का जहर भी यूज करते हैं। यूज करते हैं दवाई के तौर पर, लेकिन बहुत हाँ, लेकिन उसको बहुत बहुत शुद्ध करना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, बहुत ध्यान रख के। ठीक बात है, लेकिन वो इतना मारक होता है कि स्पर्श मात्र से ही जीव मर जाते हैं ना। हाँ, मानव भी मर जाता है। ठीक बात। फिर आगे जो है धीरता का तात्पर्य स्पष्ट किया है। धीरता का तात्पर्य है न्याय के प्रति सुस्पष्ट और प्रमाणित रहने से है। सुस्पष्ट होने के लिए अध्ययन ही एकमात्र आधार है। परंपरा अध्ययन कार्य का धारक वाहक है। अध्ययन वर्तमान में होता ही रहता है। तो इसलिए जब परंपरा कह रहे हैं, तो जब व्यवस्था में शिक्षा संस्कार व्यवस्था स्थापित हो जाती है उस अर्थ में, है ना। वीरता का तात्पर्य स्वयं न्याय के प्रति निष्ठान्वित, व्यवहारान्वित, प्रमाणित रहते हुए लोगों को न्याय सुलभता के लिए अपने तन मन धन को अर्पित समर्पित करने से ही है। अपने तन मन धन को अर्पित समर्पित करने से है। तो न्याय के प्रति निष्ठान्वित, व्यवहारान्वित, प्रमाणित रहते हुए लोगों को न्याय सुलभता के लिए अपने तन मन धन को अर्पित समर्पित करने से वीरता है। उदारता, उदारता का तात्पर्य है अपने में से प्राप्त तन मन धन रूपी अर्थ को उपयोगिता विधि से, सदुपयोगिता विधि से और प्रयोजनीयता विधि से उपयोग करना, इसको उदारता कहते हैं। उपयोगिता विधि का क्या तात्पर्य है? उपयोगिता विधि का तात्पर्य है शरीर पोषण संरक्षण और समाज गति में प्रयोग करना। सदुपयोगिता विधि का तात्पर्य है अखंड समाज में भागीदारी करते हुए वस्तुओं का अर्पण समर्पण। और प्रयोजनीयता का तात्पर्य है सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना, यह भी स्वयं स्फूर्त स्वायत्त विधि से। ठीक है, धीरता वीरता उदारता स्पष्ट हो गई। उसमें जो भी उदारता में उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजन, प्रयोजनीयता आया, उसकी परिभाषा हो गई। अब दया, दया का तात्पर्य पात्रता के अनुरूप वस्तु को उपलब्ध कराने की क्रिया से है। दया का तात्पर्य पात्रता के अनुरूप वस्तु को उपलब्ध कराने की क्रिया से। कृपा का तात्पर्य उपलब्ध वस्तु के अनुसार पात्रता को उपलब्ध कराना, यह वस्तु के अनुरूप पात्रता के अभाव की स्थिति में हो जाना पाया जाता है। कृपा का तात्पर्य उपलब्ध वस्तु के अनुसार पात्रता को उपलब्ध कराना, यह वस्तु के अनुरूप पात्रता के अभाव की स्थिति में हो जाना पाया जाता है, तभी कृपा की जा सकती है ना। करुणा का तात्पर्य है वस्तु भी ना हो, पात्रता भी ना हो, इन दोनों को स्थापित करने की क्रिया करुणा है। मनुष्य दया कृपा करुणा पूर्वक मानव, देव मानव, दिव्य मानव के रूप में वैभवित होना पाया जाता है। ऐसे वैभव देश धरती मानव के लिए अत्यंत उपयोगी होना पाया जाता है। मात्रा सिद्धांत सार रूप में इस प्रकार समझ में आता है। ये हो गया, परिभाषाएं हो गई, इसके बाद वापस मात्रा पे आ गए। मात्रा सिद्धांत सार रूप में इस प्रकार समझ में आता है, एक एक के रूप में विद्यमान वस्तु इकाई मात्रा है। दूसरी बात है इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्यता के रूप में वर्तमान है।
प्रत्येक परमाणु ही मूल मात्रा है। फिर आगे कहा कि मूल मात्रा परमाणु होना इसलिए स्पष्ट हुआ है कि इकाई जो परिभाषित होता है वह स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता हो। इकाई हो और व्यवस्था में भागीदारी ना हो, ऐसी स्थिति में इकाइयों में भी व्यवस्था में भागीदारी के लिए प्रवृत्ति होना पाया जाता है। इकाई हो और व्यवस्था में भागीदारी ना करता हो, ऐसी स्थिति में भी इकाइयों में व्यवस्था में भागीदारी के लिए प्रवृत्ति होना पाया जाता है। जैसे परमाणु अंश, परमाणु अंश स्वयं में व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाता है, अर्थात निश्चित आवश्यकता को व्यक्त नहीं कर पाता है। इसलिए हर परमाणु अंश परमाणु में भागीदारी करने और फलतः व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में प्रवर्तनशील है। निश्चित आचरण ही व्यवस्था के रूप में ख्यात होता है। इससे पता चलता है कि परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। मानव को पहचानना अभी आवश्यकता है। मानव को पहचानने का एक ही सूत्र है, मानवत्व। मानव लक्ष्य के अर्थ में होना आवश्यक है। मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व है। मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करने के क्रम में मानवीयतापूर्ण आचरण को स्पष्ट कर पाते हैं। इसका प्रमाण मूल्य चरित नैतिकता के रूप में है। ऐसे सार्वभौम रूप से अथवा सर्व मानव में सफल करना ही अथवा होना ही जागृत मानव परंपरा का वैभव है। इसी आधार पर हर मानव स्वयं में मानवत्व सहित व्यवस्था को पाता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। अतः अस्तित्व में हर इकाई मात्रा के रूप में ख्यात है। ख्यात है का मतलब है कि वो रूप गुण स्वभाव धर्म की अभिभाज्यता में है। मानव भी मानवत्व को पहचान कर निश्चित मानवीय आचरण पूर्वक मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करते हुए मात्रा के रूप में गण्य होता है। ठीक है, यहां पर अपना यह अध्याय पूरा हो गया। कोई प्रश्न हो तो बताइए। इस पूरे अध्याय का सारांश भी उन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दिया, इसलिए इसका रिवीजन एक प्रकार से रिवीजन भी हो गया, है ना? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हाँ भैया, चेंज करें भैया? है दूसरा आपके पास, आपके पास है क्या वो आगे वाला? नहीं, आप ये तो पीडीएफ तो दो ही दिया था ना आपने, आगे का तो और दिया देने हैं आप? आगे वाला चैप्टर क्या है अपना? बल शक्ति स्थिति बल शक्ति बल शक्ति है ना? हाँ, बल शक्ति। एक मिनट भैया, स्थिति गति धर्म है। मात्रा के बाद का जो है ना वो गुण स्वभाव धर्म है, उसके बाद बल शक्ति है। अच्छा, हाँ, गुण गुण है, ठीक, गुण स्वभाव धर्म। हाँ, गुण। पीडीएफ लगाऊं भैया? एक मिनट, गुण है ना? गुण, हाँ भैया, गुण दे दी बाबा जी ने। सम का मतलब है सृजन, कारी, संयोजन, क्रियाकलाप।
दूसरा है विघटन विध्वंसकारी क्रियाकलाप और प्रवृत्ति, और तीसरा है जिस योग संयोग विधि से जितनी भी रचनाएं बनती हैं उनको बनाए रखने के लिए प्रवृत्ति और कार्यों को। तो इस तरीके से सम विषम और मध्यस्थ को डिफाइन किया। हर क्रिया स्थिति गति स्वरूप में प्रकट करता ही है, हर क्रिया स्थिति व गति स्वरूप को प्रकट करता ही है। हर क्रिया के मूल में प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। हर प्रवर्तन हर इकाई में परस्पर पहचानने के आधार पर गतिशीलता है और प्रकट है, इसी को प्रवृत्ति बोलते हैं। हर प्रवर्तन हर इकाई में परस्पर पहचानने के आधार पर गतिशील है और प्रकट है, यही प्रवृत्ति है। इसको हर अवस्था में हर पद में हर यथा स्थिति में पहचाना जा सकता है। हर इकाई में पहचानने की प्रवृत्ति है। पहचानना और निर्वाह करने के आधार पर प्रवर्तन, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जानने के आधार पर जागृति घटित होना पाया जाता है। तो पहचानने के रूप में प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के आधार पर यानी पहचानने और निर्वाह करने के आधार पर प्रवर्तन है। प्रवर्तन विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है और जानने के बाद जागृति घटित होना पाया जाता है। इसी आधार पर हर इकाई का निश्चित आवश्यकता के रूप में स्पष्ट होता है। इस आधार पर हर इकाई का निश्चित आवश्यकता त्वा के रूप में स्पष्ट होता है। प्रवर्तन के आधार पर ही आवश्यकता स्पष्ट होना स्वाभाविक है। प्रवर्तन को यहाँ ऊपर डिफाइन किया, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये प्रवर्तन है। प्रवर्तन के आधार पर आवश्यकता स्पष्ट होना स्वाभाविक है। इस प्रकार आवश्यक प्रवर्तन, आवश्यक पहचानना, इस क्रम में परस्पर पहचान होता है। त्वा सहित व्यवस्था क्रम में ही पहचान है। एक दूसरे के इस प्रकार पहचान के क्रम में रहस्य से मुक्त होना पाया जाता है। इन इकाइयों के संबंध में अज्ञात नाम की चीज नहीं रह जाती है। अध्ययन काल में इस मुद्दे पर शंका कर सकते हैं, प्रत्येक एक एक को कहां तक परीक्षण किया जाए। तो कह रहे हैं कि बाबा जी अध्ययन काल में तो इस पे शंका कर सकते हैं कि कैसे इतनी अनंत इकाइयां हैं उनको कैसे जो है जाना जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ तो अज्ञात बचा ही रहेगा। लेकिन उदाहरण के लिए उन्होंने बताया, जैसे समुद्री जल को कब तक एक एक बूंद को परीक्षण करते रहें, कब तक एक एक परमाणु का परीक्षण करते रहें, और इसी प्रकार कब तक प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था की एक एक इकाई का परीक्षण करते रहें। तो क्या इस ढंग से कोई पार पाएगा? तो इसके उत्तर में इन तथ्यों को इस प्रकार समझा चुके हैं कि हर यथा स्थिति अवस्था पद सोपान एक से एक जुड़ी हुई है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इस ढंग से कोई पार नहीं पा सकता है। इसके उत्तर में इस तथ्य को इस प्रकार समझा चुके हैं कि हर यथा स्थिति अवस्था और पद सोपानवत एक से एक जुड़ी हुई है। जैसे हर अवस्था में पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, उसी तरीके से जो चार पद हैं तो ये क्रमशः सोपानवत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये भी कहा है कि जो गुरु मूल है उसमें लघु मूल समा जाता है। जैसे प्राणावस्था में पदार्थावस्था समाई रहती है, जीवावस्था में प्राणावस्था पदार्थावस्था समाई रहती है। तो जैसे पदार्थावस्था विकास क्रम में अनेक स्थितियों में होते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म को व्याख्यायित करना, छोटे से छोटे बड़े से बड़े भौतिक वस्तु के लिए व्यवस्था संपन्न हो गया, यथा आकार आयतन घन से रूप, सम विषम मध्यस्थ
के रूप में गुण, संगठन विघटन के रूप में स्वभाव, धर्म अस्तित्व रूप में धर्म को समझा चुके हैं। तो पदार्थावस्था विकास क्रम में अनेक यथा स्थितियों से होते हुए रूप गुण स्वभाव धर्म को व्याख्यायित करना, छोटे से छोटे बड़े से बड़े भौतिक वस्तुओं के लिए व्यवस्था संपन्न हो गया, यथा आकार आयतन घन रूप में रूप, सम विषम मध्यस्थ के रूप में गुण, संगठन विघटन के रूप में स्वभाव और अस्तित्व के रूप में धर्म को समझा चुके हैं पदार्थावस्था। इससे ये पता लगता है कि सिंधु के एक बिंदु का परीक्षण करने मात्र से संपूर्ण सिंधु के पानी को हम समझ चुके हैं। अध्ययन विधि इसी प्रकार सार्थक हो पाता है। तो कह रहे हैं कि जैसे वो सिंधु में बिंदु कहते हैं ना, तो सिंधु के एक बिंदु का परीक्षण करने मात्र से संपूर्ण सिंधु के पानी को हम समझ चुके हैं। यानी एक परमाणु का रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन करने से संपूर्ण परमाणुओं का रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन हो जाता है। उसी तरीके से पदार्थावस्था में जितनी भी यथा स्थितियां हैं उन सभी यथा स्थितियों में रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन हो जाता है। इसी वो कह रहे हैं कि बिंदु सिंधु के एक बिंदु का परीक्षण मात्र से संपूर्ण सिंधु के पानी को हम समझ चुके हैं। अध्ययन विधि इसी प्रकार सार्थक हो पाता है। उक्त प्रकार से प्राणावस्था का भी अध्ययन हुआ है। तो प्राणावस्था का अध्ययन किस रूप में हुआ है? तो आकार आयतन घन के रूप में रूप, सम विषम मध्यस्थ के रूप में गुण, सारक मारक के रूप में स्वभाव और अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म होना समझा चुके। इसी के आगे जीवावस्था में जीवन और शरीर रूप होते हुए कुछ जीवों में यह प्रमाणित हुआ है, इसके स्पष्टीकरण में सप्त धातुओं से रचित शरीर समृद्ध मेधस और मानव के निर्देश संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता संपन्न जीवों में जीवन का होना प्रमाणित होता है। और सप्त धातु का मतलब है रस, मांस, मज्जा, अस्थि, स्नायु, रक्त और वसा। इस तरीके से ये सप्त धातुओं की बात हुई। तो कह रहे कि इसके आगे यानी प्राणावस्था से आगे जीवावस्था में जीवन और शरीर संयुक्त रूप में होते हुए कुछ जीवों में यह प्रमाणित हुआ है, इससे इसके स्पष्टीकरण में सप्त धातुओं से रचित शरीर समृद्ध मेधस तंत्र और मानव के संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता संपन्न जीवों में जीवन होना प्रमाणित होता है। तो जीवन किस में प्रमाणित होता है? तो तीन बातें लिखी है, उनका शरीर सप्त धातु से रचित हो, समृद्ध मेधस तंत्र हो और तीसरा मानव के निर्देश संकेत को ग्रहण करने की क्षमता संपन्न जीवों में जीवन होना पाया जाता है या जीवन होना प्रमाणित होता है। फिर आगे है ऐसे जीवों में जीवन में भी आकार आयतन घन होता है, शरीर में भी आकार आयतन घन होता है। जीवन अति सूक्ष्म क्यों ना हो, जीवन में भी सम विषम मध्यस्थ प्रभावित रहता है। मनुष्य में जीवन प्रधान रहता है, इसीलिए शरीर का सम विषम मध्यस्थ गुण गौण हो जाता है। जीवों में स्वभाव धर्म संयुक्त रूप में होता है। क्रूरता अक्रूरता शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में स्पष्ट हो पाता है। जीने की आशा धर्म भी संयुक्त रूप में स्पष्ट होता है। संयुक्त रूप में मतलब जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में। इसीलिए उन्होंने ये लिखा है कि जो जीवों में स्वभाव धर्म संयुक्त रूप में होता है, संयुक्त रूप में होता है यानी जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में। क्रूरता अक्रूरता भी उसी अर्थ में है। क्रूरता और अक्रूरता जो है शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में ही स्पष्ट हो पाता है। जीने की आशा भी और धर्म भी संयुक्त रूप में स्पष्ट होता है। संपूर्ण जीव वंशानुसंगी विधि से व्याख्यायित है। फिर लिखा है इसी प्रकार मानव का भी सम विषम मध्यस्थ गुणों का स्पष्टीकरण हो पाता है। मानव में गुण सर्वाधिक मध्यस्थ के पक्ष में है, जो स्वयं के वैभव के रूप में व्यक्त होता है। मानव जब भ्रमित रहता है तब तक स्व का
होना सर्वोपरि, अन्य को गौण मानता है। तो मानव जब भ्रमित रहे